How to fix Paytm not linking to bank account problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Paytm पर बैंक अकाउंट लिंक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जो है बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहे अपने Paytm पर, तो दोस्तों उसका कोई फ़ायदा नहीं है, Paytm यूज़ करना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा होना चाहिए अगर आप Paytm यूज़ करते हैं। और पैसा कहाँ पर मिलेगा? आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा के लिए आपको बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहा है, ये वीडियो को देखिए। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर जल्दी से, और आपका सॉल्यूशन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँगा Paytm ओपन करके कि बैंक अकाउंट लिंक क्यों नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट लिंक का भी ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन करके रखते हैं। तो बैंक अकाउंट लिंक इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका जो बैंक का मोबाइल नंबर जो है, जो नंबर रजिस्टर्ड बैंक पे दिया हुआ है, या फिर शॉर्ट में कहे तो बैंक के अंदर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला आपने दिया हुआ है, ठीक है, जो मोबाइल नंबर अपने बैंक पर दिया हुआ है, वही मोबाइल नंबर आपके फ़ोन पे भी होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक्सिस बैंक, तो मैंने एक्सिस बैंक के एक्स वाई जी नंबर दिया हुआ है, तो वही सेम नंबर को भी आपको मोबाइल पे एंटर करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका काम बन जाएगा और आप ऐड कर पाओगे। तो सिर्फ इसी चीज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हम बैंक अकाउंट ऐड करने जाते हैं और नंबर मैचिंग नहीं हो पाते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप जब Paytm को क्रिएट करते हैं, आप कोई भी नंबर से क्रिएट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी आप बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर ऐड करने वाला है, बैंक अकाउंट लिंक करने वाला है, तो हमेशा जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक पे है, उसी नंबर को मोबाइल पे एंटर करना है, और उसके बाद क्लिक कीजिए, ठीक है, और मोबाइल को यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। वी कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट एक्सिस बैंक विद योर मोबाइल नंबर, बता रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है, उसके वजह से। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो बैंक है, उसमें आप सिंपली जो है क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपके पास SBI है, तो SBI में क्लिक करना है, ठीक है। तो यह नंबर दोस्तों अगर यहाँ पे है तो आपको दिख जाएगा, या फिर मान लीजिए यह नंबर कनेक्टेड है आपके एक्सिस बैंक के साथ में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करते हैं। लेकिन अगर आपके आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, देखिए मैंने यू हैव फिनिश्ड द प्रोसेस एडिंग, ओके नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि मैंने ऑलरेडी एक्सिस बैंक ऐड कर रखा है मेरे अपने मोबाइल नंबर पे, ठीक है, जो नंबर मैंने अभी रजिस्टर्ड करने की कोशिश की। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मुझे अभी पता चला है कि जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक पर एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो Paytm भी आपको उसी नंबर से क्रिएट करना होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप लिंक करने के लिए जाते हैं तब नंबर को वेरीफाइड किया जाते हैं। तो लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आपका जो भी बैंक है उसको क्लिक कीजिए, और ऑटोमेटिक आपको पूछेगा कि SIM 1 या फिर SIM 2, ठीक है, SIM 1 है या SIM 2 पे आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद लिंक करना है, एंड देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। अगर शॉर्ट में कहे तो यही है बात, ठीक है, अगर शॉर्ट में आपको कहे तो बस आपको नंबर पे सॉल्यूशन करना है, क्योंकि बैंक पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उसी को मोबाइल पे एंटर करके रखना है, उसी से बैंक, उसी से Paytm बनाना है, उसी से आपको लिंक भी करना है, और उसी को मोबाइल पे एंटर करके भी रखना है,
और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो है उनको कांटेक्ट करें, ठीक है, आप उनको कांटेक्ट करें, 24/7 का हेल्पलाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, शो नहीं कर रहे, एक बार चेक करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर 24/7 का हेल्पलाइन नंबर आपको दिख जाना चाहिए, अगर है तो कीजिए, अगर नहीं है तो आप ट्विटर पे उनको कांटेक्ट कीजिए। ट्विटर पे जाइए, सर्च कीजिए पेटीएम और उसके बाद उनको फॉलो करके यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उनको बताइए कि आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहे, तो वो आपको मदद करेगा डेफिनेटली। रिप्लाई आपको थोड़े देर बाद ही मिलेगा, लेकिन आपको 3-4 मैसेज तो उनको सेंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद उन्हें पूछना होगा कि क्या क्या है, उनसे आप इंफॉर्मेशन निकालवा सकते थ्रू ट्विटर, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये करना। तो दोस्तों, ये था आपका सॉल्यूशन, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।